फवाद, तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे दिल कर रहा था अंधेरे में बैठने का। अंधेरे में मत बैठा करो, क्योंकि अंधेरे में सही रास्ता नजर नहीं आता। मैं सही रास्ते पे कदम रख चुका हूँ और अब मैं ये कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। हालात पहले ही कंट्रोल के बाहर हैं। प्लीज फवाद, मॉम की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला ना करना। मैंने मम्मा को अपना फैसला सुना दिया था, अब अगर उन्हें ये फैसला पसंद नहीं आया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिद मत करो, अगर मॉम को नहीं पसंद तो मत करो सारा से शादी। वो तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हैं। उनकी ख्वाहिश का एहतराम करो और अपनी ख्वाहिश से पीछे हट जाओ। मैं ये शादी अपनी ख्वाहिश से नहीं कर रहा था, जरूरत के तहत कर रहा था। मुझे ये शादी करना जरूरी है भाभी। मैं कुछ अर्से देखूंगा, अगर मम्मा राजी नहीं हुई तो मुझे ये शादी खुद करनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे लिए ये शादी करना क्यों जरूरी है। वक्त आने पर ये आपको नहीं बल्कि सबको समझ आ जाएगा, लेकिन तब तक प्लीज आप मुझसे कुछ ना पूछें। आपको याद है आपने मुझे कब से शॉपिंग नहीं करवाई? नहीं, मुझे नहीं याद। आर्यन, मैं तो सच में शॉपिंग को तरस गई हूँ। एक मुद्दत हो गई है मैंने शॉपिंग नहीं की। मुझे कल शॉपिंग पे ले चले ना। थैंक यू आर्यन, आप बहुत अच्छे हैं। आप जब ऑफिस से कल आएंगे ना तो मैं रेडी रहूंगी, फिर हम फॉरेन चलेंगे। कहाँ चलेंगे? शॉपिंग पर। और कहाँ? नहीं यार, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम ऐसा करो कि मम्मी के साथ चली जाना। नहीं यार यार, मुझे आप ही के साथ शॉपिंग पे जाना। यार जब तुम्हें मैंने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है तो क्यों बार बार बच्चों की तरह जिद कर रही है? तुम्हें शॉपिंग ही कर रही है तो अम्मी के साथ जाके कर लेना। और प्लीज यार मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ क्या बार बार जिद लगा के रखी कि मैं कह रही थी। मैंने जब तुम्हें कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है तो नहीं है। जाओ प्लीज, मेरे लिए कप चाय बना के लेकर। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। लेकिन मैं आपकी परेशानी की वजह जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? मॉम, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मगर आपने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। अब देखिए वही हो रहा है ना जो मैंने कहा था। इसमें फवाद का कोई कसूर नहीं है, एक घर में रहते हुए अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तुम कहना क्या चाहते हो, कि सारा कसूर मेरा है? मेरा ये मतलब नहीं था मॉम, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही अंडरस्टूड है। फरिया, इस वक्त मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है और मुझे नींद भी आ रही है, मुझे सोने दो। तुम भी जाओ, जाके सो जाओ। परिया कह तो सही रही है, मुझे सारा को वापस भेज देना चाहिए।
रुखसार, रुखसार, तुम यहाँ क्यों आई हो? देखने आई हूँ कि जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं उनके चेहरे कितने मकरू लगते हैं। क्यों, तुम्हारे घर में आईना नहीं है क्या? आईना तो मैं तुम्हें दिखाने आई हूँ ताकि तुम उसमें अपनी हरकतें देख सको। दूसरों के घर में बगैर इजाजत दाखिल होने वाले लोग किसी और को क्या आईना दिखाएंगे? जब औरत के घर में कोई चोरनी नकब लगाती है तो वो उसे उसके घर में घुस के मारती है। जिस रिश्ते की बुनियाद ही कमजोर है वहाँ नकब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ की दीवारें तो जरा सी फूंक से ही गिर जाती। ना मेरा घर कमजोर है और ना मुझे कमजोर समझने की गलती करना रुखसार। और अपने घर में चोरी छुपे दाखिल होने वाले कदमों को मुझे अच्छी तरह लौटाना आता है। और आइंदा अगर मेरे शौहर से बात करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा, समझी? बढ़िया ही मुझे धमकी देने वाली। अभी आर्यन को मैसेज करके इसी क्लास में। सारा मुझे तुमसे बात करनी है। कहो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आई, मगर यहाँ आकर जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? क्या किया है मैंने? फवाद तुमसे छोटा है, उससे शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल। ये ख्याल मेरा नहीं, फवाद का है। तो तुम शादी से इनकार कर दो। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाह रही हो तुम? होती कौन हो तुम बीच में बोलने वाली? मैं इस घर की बहू। ओह, तो तुम इस घर की बहू हो, ये तो मैं भूल ही गई थी। मगर मुझे याद, ये जो कुछ तुम कर रही हो ना उससे मॉम और उनकी औलाद के बीच में दूरियां पैदा हो रही हैं। और इस घर की बहू होने के नाते मैं यहाँ के लोगों के साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मेरा मशवरा तुमसे ये है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। आया तुम्हारी समझ में या नहीं? जब फिर जल्दी घर आ गए। एक जरूरी काम नहीं होता तो मैं शायद और जल्दी आ जाता। अच्छा ठीक है, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। एक सेकंड रुको, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है, ये तुम रुखसार के घर क्यों गई थी? ओह, तो उस चुड़ैल ने आपसे मेरी शिकायत कर दी। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं उसके घर एक बार नहीं हजार बार जाऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा कि तुम वहां जा सकोगी? आर्यन क्या करे, छोड़े मुझे। और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, आइंदा मुझे तुम्हारी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बेटा कैसे हो? I'm good mom. आप सुनाएं, सब कैसे हैं? हाँ, यहाँ पे सब ठीक है। तुम सुनाओ, बिजनेस कैसा जा रहा है? सारे मामला तय हो गए ना?
Yep, first class. And the good thing is कि हर चीज़ control में आ गई है। Good, thank God. अच्छा ये बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो? बहुत जल्द। और हाँ वो एक बहुत बड़ा surprise है आपको। Surprise? कैसा surprise? बताओ तो। ये मैं नहीं बताऊँगा। Actually let's save it for later. जब मैं आऊँगा ना तभी बताऊँगा। अच्छा, चलो ठीक है। बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अब जल्दी आ जाओ आप। Okay mom, I miss you too. Take care of yourself. Bye. Bye. Surprise. एक गुड न्यूज है मेरे पास आपके लिए। फवाद कैसी गुड न्यूज, जल्दी बताओ। हमाद भाई वापस आ रहे हैं। सच? कब आ रहे हैं वो? बहुत जल्द। तुम्हारी उनसे फोन पे बात हुई थी क्या? कैसे हैं वो? अरे 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 मेरी उनसे कोई बात नहीं, उनकी मम्मा से बात हुई थी और वो बिल्कुल ठीक हैं और बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब हमाद के आने के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाल्लाह। आप देखिएगा भाभी, हम दोनों भाई मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे, बस आप देख लीजिए। फवाद वो बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? अरे मैं और आपकी बात का बुरा मानूंगा, ऐसा कब से हो गया भाई? और आप मुझसे पूछ रही हैं, इजाजत ले रही हैं बात करने के लिए? फिर भी पता नहीं इंसान का कब कैसा मूड हो। अच्छा भाई तो फरमाइए क्या बात है। हमाद के आने के बाद शायद सब बिल्कुल ठीक हो जाए, प्लीज तुम सारा से शादी ना करना। अच्छा इस बारे में सोचेंगे भाई, अभी होश। आर्यन शायद तुम मुझसे नाराज, लेकिन मरियम इस मामले में बेशक तुम मुझसे नाराज, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। और हाँ आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उसी तरीके से पेश आऊंगा। आप कुछ भी कहें आर्यन, लेकिन अपने हक के लिए मैं आखिरी वक्त तक लड़ूं। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। आप रुखसार के कौन हैं? मैं रुखसार का भाई। तो आप उसे रोकते क्यों नहीं? वो मेरे शौहर के पीछे ही पड़ी हुई है और ये चीज मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेहतर होगा आप उसे रोकें, वरना मुझे बहुत अच्छे तरीके से रोकना आता है। मैं आपसे माजरा खाऊं, आपको अब शिकायत नहीं होगी। हाँ हाँ सब कुछ मेरे काबू में ही है, बस डोंट वरी, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ फिर मैं फवाद से शादी कर लूंगी। डोंट वरी यार, तुम्हारे सामने ही शादी करूंगी, तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। ये किससे बातें कर रही है? अरे तुम देखना तो सही, मैदान मेरे हाथ में ही रहेगा। अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे खाने का पूछने आई थी, तुम कब खाओगे? तुम मुझसे खाने का क्यों पूछने आई थी? क्या घर के नौकर सारे जा चुके हैं या ये नौकरी तुमने संभाल ली है? ये मेरा घर है और तुम यहाँ मेहमान, और मेहमानों का ख्याल रखना मेजबान का फर्ज होता है, और मैं अपने फराइज निभाना अच्छे तरीके से जानती हूँ। बहुत अकड़ रही है ना अपने इस घर पर, इस बेचारी को क्या पता ये घर तो यूं ही रह जाएगा लेकिन इसमें रहने वाले चेहरे बदल जाएंगे। तुमको वार्न किया था ना मैंने, मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हें क्या? कौन सी बात भाई, मैं कुछ समझी नहीं। अब एक्चुअली आप मुझसे इतनी सारी बातें करते हैं तो
मुझे अंदाजा ही नहीं हो रहा कि आप कौन सी बात कर रहे हैं। मैं आर्यन की बात कर रहा हूँ। कहा था ना तुम्हें कि दूर रहो उससे, लेकिन तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई। कितनी शिकायतें आ रही हैं तुम्हारी, कितनी शर्मिंदगी होती है मुझे जब मुझे कोई ये बात बोलता है। तो जिसने भी आपसे ये शिकायत की है ना भाई, बिल्कुल गलत, क्योंकि मैं आजकल आर्यन से मिल ही नहीं रही। इनफैक्ट कुछ दिनों तक मिल भी नहीं सकती। क्यों, कुछ अरसे तक क्या अकल आ गई है तुम्हें? क्योंकि मैंने नदीम से खुला ले और फिलहाल मैं इज्जत में। क्या, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरी इजाजत के बगैर तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? मामू आपसे भी बड़े और फिलहाल हमारे बुजुर्ग, मैंने उनसे पूछ कर ये सब कुछ किया। तुम मेरी जिम्मेदारी है रुखसार, मामू की नहीं। तुमने मुझे जीते जी मार दिया है रुखसार। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी भाभी, गए क्या हुआ? प्लीज तुम सारा से शादी मत करो। सॉरी भाभी, मुझे आप कोई और हुक्म दे लें, कोई और बात कर लें, मैं वो मान लूंगा, लेकिन प्लीज ये बात ना करें। तुम्हें ऐसी क्या सूझी है जो तुम ये काम कर रहे हो? बस अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने फैसला कर डाला। लेकिन तुम तो पहले उससे बात तक नहीं करते थे, उसे घर से निकलवाना चाहते थे, तो अब क्या हो गया? हाँ भाभी ठीक है, बट मैं इंसान हूँ, इंसान के ख्याल बदलते रहते हैं, मेरे भी बदल गए। फवाद समझने की कोशिश करो, मुझे लगता है कि सारा कोई खास मकसद हासिल करने के लिए तुमसे शादी कर रही है। हो ऐसा है तो भाई फिर तो बहुत मजा आएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं भी उससे एक खास मकसद के तहत शादी करूँ। मगर फवाद कैसा मकसद? वो मैं आपको भी नहीं बता सकता, बाद में सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल आप मुझे एक कप कॉफी बना के देंगी अच्छी सी? ठीक है, मैं अभी लेके आती। थैंक यू। सारा का क्या मकसद हो सकता है?